बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अभी सलमा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई पावर्टी ग्रुप। इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई पावर्टी ग्रुप्स, इसका मतलब क्या है? इशू ये है, जैसे आपको पता है हमने पिछले जो लेक्चर्स में चीज़ें डिस्कस की हैं कि एब्सोल्यूट पावर्टी बुनियादी तौर पर लो पर कैपिटा इनकम का एक कम्बिनेशन है और दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का कम्बिनेशन है। जहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जहां लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम होगी, वहां पे एब्सोल्यूट पावर्टी भी ज़्यादा होगी। अब मसला ये है कि जब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी है पावर्टी रिडक्शन के लिए, तो गवर्नमेंट कैसे टारगेट करेगी उन एरियाज को, उन सेक्टर्स को जो जिनमें पावर्टी ज़्यादा है, यानी सब्सिडाइज करना है तो किन ग्रुप्स को, किन लोगों को, किन एरियाज को, किन इलाकों को पैसे देने हैं, किन सेक्टर में पैसे जाने चाहिए ताकि ये जो पावर्टी रिडक्शन है ये अमल में आ सके। तो इसके लिए कुछ ग्रुप्स चुने जाते हैं, कुछ सेक्टर्स इंडिकेट किए जाते हैं कि यहाँ पे पावर्टी ज़्यादा है। तो इफेक्टिव पॉलिसी बनाने के लिए फिर हमें इन पावर्टी ग्रुप्स की करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे पावर्टी एग्जिस्ट कर रही है और कहाँ कहाँ पे लोगों में पावर्टी का शेयर ज्यादा है। तो तीन बड़े ग्रुप्स जो है ना वो कंसीडर किए जाते हैं जहाँ पे पावर्टी ज्यादा है। पहला ग्रुप है रूरल सेक्टर। हमेशा आप देखेंगे शहरों की निस्बत देहातों में गरीब लोगों का पोर्शन ज़्यादा हो। ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर के साथ अटैच हैं या पेटी सर्विसेज के साथ अटैच हैं, ये छोटे मोटे काम कर रहे हैं, उनमें गुर्बत का शेयर, गुर्बत का पोर्शन हमेशा ज़्यादा हो। जो जनरलाइज्ड है, इसमें जनरलाइजेशन है, इसमें उसमें है जी, लोकेटेड इन रूरल एरियाज that they are primarily engaged in agriculture and associated activities, agriculture और उसके associated activities में जो मुलव्वस होंगे उनमें पावर्टी ज़्यादा हो। दूसरा ग्रुप जो मोस्ट वल्नरेबल होता है, जो मोस्ट पावर्टी में घिरा होता है, वो है women and children। औरतों में पावर्टी ज़्यादा होती है और बच्चों में पावर्टी का असर ज़्यादा होता है। दूसरा सेक्टर औरतों का और बच्चों का। थर्ड सेक्टर है एथनिक माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटी होती हैं उस लोकेलिटी में, उस लोगों में, उस सेक्टर में, उस मुल्क में, जो माइनॉरिटी हैं, जो तादाद में कम ग्रुप्स हैं, या ऐसे लोग जो एक्सक्लूडेड हैं, जो निकल जाते हैं अपनी मेन स्ट्रीम से, उनमें भी पावर्टी का रेशो ज़्यादा होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी बनानी होती है तो वो देखती है कि किन शोबों में हमें इन्वेस्टमेंट की और किन लोगों को ऊपर लाने की ज़रूरत है, किन लोगों में पैसा लगाने की ज़रूरत है। तो ये तीन सेक्टर बने तौर पर रूरल सेक्टर, विमेन एंड चिल्ड्रन, और थर्ड एथनिक माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटी होती है किसी ग्रुप में, किसी शहर में, किसी मुल्क में, उनमें गुर्बत ज़्यादा होती है। अब आते हैं पहले रूरल पावर्टी। कहते अबाउट 2/3 ऑफ द वेरी पुअर स्क्रैच आउट दियर लिवलीहुड फ्रॉम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। यानी जो अगर किसी मुल्क में 100 गरीब बंदा रहता है तो उसमें से 2/3 यानी 66 आदमी जो गरीब हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इन्वॉल्व होंगे या उनके साथ उसकी रिलेटेड एक्टिविटी के साथ मुलव्वस होंगे। 2/3 यानी 2/3 जो पुअर सेक्टर का, 2/3 जो गरीब लोगों का, जो 2/3 2/3 हिस्सा है वो एसोसिएटेड होगा रूरल सेक्टर में, रूरल इकोनॉमी में वो इंगेज होगा। और जो 1/3 है यानी 66 बंदे तो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, और जो 1/3 है वो भी देहाती इलाकों में छोटी मोटी जॉब्स कर रहे होंगे, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, किसी को पंक्चर की दुकान है, किसी ने समोसे लगाए हुए हैं, कोई कटाई करता है, कोई नाई है, कोई मोची है, इस तरह छोटे मोटे जो ना वो ये छोटा मोटा अपना काम कर रहे होंगे या छोटी मोटी जॉब कर रहे होंगे थोड़े से पैसों पे। या शहरी इलाकों में भी अगर होंगे तो वो दूर सेक्टर में रहेंगे, मेन सिटी में वो नहीं रह रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर लाहौर की या गुजरावाला की बात करें तो मॉडल टाउन में या डिफेंस में नहीं रह रहे होंगे, वो दूर कहीं करोल घाटी में, जनाबे अली में, महमूद बूटी में रह रहे होंगे, या वो किसी मार्जिनल एरिया में सेपरेट करके जो
शहर का हट के एरिया है वहाँ पर रह रहे होंगे और पेटी सर्विसेज में मुलव्वस होंगे, इन्वॉल्व होंगे, छोटे मोटे काम कर रहे होंगे, किसी ने कोई छोटी सी किराने की दुकान डाली है, किसी ने कोई पंक्चर की दुकान है किसी की जनाब आली, कोई वेल्डिंग करता है, तो इसी के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे होंगे। तो जो 2/3 सेक्टर और है लोग वो उसमें सेक्टर में रहते हैं, रूरल सेक्टर में, रूरल इकोनॉमीज में रहते हैं। Some of the remaining 1/3 are also located in rural areas but engaged in petty services. वो रहते हैं rural areas में, अगरचे वो उसमें नहीं होते हैं agriculture के साथ involved होते हैं लेकिन petty services कर रहे होते हैं। कैसे? And others are located on the fringe and in marginal areas of urban centers where they engage in various forms of self-employment such as street hawking, गलियों में फिर के फेरी वाले होते हैं, फिर के काम कर रहे हैं, trading कर रहे हैं छोटी मोटी, petty services कर रहे हैं एंड स्मॉल स्केल कॉमर्स पे कर रहे हैं। ऑन द एवरेज इन अफ्रीका एंड एशिया अबाउट 80% ऑफ टारगेट पॉवर्टी ग्रुप्स आर लोकेटेड इन द रूरल एरियाज। एशिया में और अफ्रीका में 80% जो पॉवर्टी ग्रुप्स हैं वो लोकेटेड है रूरल एरियाज में, उसमें देहाती इलाकों में, एंड आर अबाउट 50% लैटिन अमेरिका और लतीनी अमेरिका में तकरीबन 50% वो है जो देहातों में रह रहे हैं। ये टेबल अगर आप उसको देख सकें तो टेबल आपको डिपिक्ट कर लेगा कि पोर्शन क्या है। अभी ये रीजन्स देख लें, रीजन एंड कंट्री, सब सारा अफ्रीका का जो रीजन है, बेनिन, बर्किना फासो, कैमरून, मलावी, इनमें जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 46%, 52%, 55%, 38%, 34% ये रह रहा है रूरल पॉपुलेशन में। ये गरीबों का पोर्शन है, ये टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज नहीं बल्कि गरीबों का परसेंटेज है कि 46% गरीब बेनिन में वो रहते हैं रूरल एरिया में, 29% गरीब वो शहरी इलाकों में रहते हैं। बर्किना फासो में 52%, कैमरून में 55%। एशिया में आ रहे हैं तो बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश में टोटल गरीबों का 43% यानी अबाउट 50% ये रूरल एरियाज में रहता है और 28% अर्बन पॉपुलेशन में रहता है। इंडिया में 30% रूरल पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया में 20%, अजबकिस्तान में 29%, वियतनाम में 35%। लैटिन अमेरिका में चले जाएं तो बोलीविया 93%, ब्राज़ील, बोलीविया 63%, ब्राज़ील 41%, डोमिनिकन रिपब्लिक 54%, ग्वाटेमाला 72%, हंडोरास 70%, मेक्सिको में 56% और पीरो में 72%। ये लोग रूरल एरियाज में पावर्टी कंसंट्रेटेड है, तो इसलिए बड़ा आसान है अगर अपने को पॉलिसी बनानी है पावर्टी रिडक्शन की, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का रुख, अपने डेवलपमेंट का रुख गरीबों की तरफ, अमीरों से शहरों की बजाय देहातों की तरफ मोड़ें। लेकिन होता क्या है, इनकी गुर्बत में एक बड़ा हिस्सा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका पे, उसका होता ही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपनी डेवलपमेंट का सारा रुख, सारे का सारा पैसा मेन सिटीज़ में लगा देते हैं। लाहौर में लगा देंगे, कराची में लगा देंगे, क्वेटा में, पेशावर में, इस्लामाबाद में। आप देख लें जितनी तरक्की आपको लाहौर में नज़र आती है उतनी पंजाब के दूसरे दूरदराज शहर में नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो एक मेन हब है और सारे का सारा पैसा लाहौर में जब इन्वेस्ट हो जाएगा, पैसा कराची में इन्वेस्ट हो जाएगा तो चिश्तियाँ, भालपुर, मंडी अजमान, विहाड़ी, मेलसी, बहालपुर, ये इलाके इग्नोर हो जाएंगे और मेजर शेयर जो पॉपुलेशन का वो तो रहे इन इलाकों में, रहे तो इन इलाकों तक उनके फ्रिंग्स एंड बेनिफिट्स, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो पहुँचे नहीं। इसकी वजह से फिर गुर्बत मजीद वर्स हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मजीद वर्स होती है। इसलिए अगर आप इनकम रिडक्शन, इनकम इनक्वालिटी में बेहतरी चाहते हैं और पावर्टी में रिडक्शन चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप फंड्स एलोकेट करें जो सिर्फ उन गरीब इलाकों में खर्च होंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, वहाँ पे सड़कें बने, वहाँ पे अगर वो एग्रीकल्चर है तो वहाँ पे फार्म्स बने, लोगों को एजुकेट करें, वहाँ पे स्कूल्स दें, अच्छे कॉलेजेस दें, अच्छी यूनिवर्सिटीज दें, अच्छे सेहत के मराकज दें ताकि वहाँ पर लोगों की सेहत का, तालीम का, हुनर का मेयार बुलंद हो और लोग वहाँ पर रह के काम करें। तो इस तरीके से आप रूरल पावर्टी को, रूरल जो पावर्टी का मेजर शेयर है उसको एलिविएट कर सकते हैं, उन पे कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा ग्रुप है पावर्टी का जिसमें कॉन्सेंट्रेट करती है वो है बच्चे और औरतें। याद रखें
मेल अडल्ट्स की निस्बत, मेल पार्टनर की निस्बत औरतों में पॉवर्टी का शेयर ज्यादा हो जाता है, औरतें ज्यादा गुर्बत का शिकार होती है, औरतें ज्यादा गजाई किल्लत का शिकार होती है, या बच्चे ज्यादा गजाई किल्लत का शिकार होते हैं। उसमें दो तीन फैक्टर्स हैं, कुछ कल्चरली फैक्टर्स भी होती हैं, कुछ आपके सोशल नॉर्म्स के सेक्टर होते हैं, जैसे औरतों को बच्चों को लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये वर्किंग एड होते हैं कि इनके बारे में एक तसव्वुर होता है कि इन्होंने कमा के खिलाना है, इन्होंने घर चलाना है, इन्होंने फैमिली रन करनी है। औरतों के बारे में तसव्वुर नहीं किया जाता कि उन्होंने फैमिली चलानी है, उन्होंने फैमिली पालनी है। तो इसलिए औरतें चूँकि पैसिव साइड पर रहती हैं, वो फैमिली चलाने में जिम्मेदार समझी नहीं जाती हैं, हालांकि वो फैमिली चलाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं बाज़ का, लेकिन चूँकि समझी नहीं जाती और मेल मेंबर को इसलिए ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उनको ज़्यादा अच्छी खुराक दी जाती है, ज़्यादा अच्छी तालीम दी जाती है, ये सोच के कि इनको इन्होंने कल को कमाना है और घर को चलाना। और लड़कियों के बारे में ये तसव्वुर होता है कि इनको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने इनको तो कल हमने शादी कर देनी है तो अगले घर चली जाएंगी, और ये इन्होंने हमें कौन सा खिलाना है तो अगले घर में जाके फिर काम करेंगी। इसलिए औरतों की तरफ या लड़कियों की तरफ, बच्चों की तरफ, उनकी तालीम की तरफ, उनकी सेहत की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। ओवरऑल ये ओवरऑल की बात करें, उन्हें एवरेज की बात करें, कुछ घरों में तवज्जो दी भी जाती है। बहरहाल ये एक पोर्शन होता है कि औरतों में गुर्बत की शरह ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो वुमेन सेंटर्ड हो, जिसमें औरतों के लिए अलग कोटा, जैसे आप कर दें कि उनके जॉब्स के लिए अलग उनका कोटा है और जनरल भी वो अप्लाई कर सकती है। इसलिए कैसे जो कर्जे हैं, जो बैंकिंग बैंक कर्जे जारी करते हैं, उसमें आप औरतों का शेयर कर दें या उनको इनकरेज करें कि जो औरतें अप्लाई करेंगी उनको ज़्यादा हम कर्जा जो ना वो आसानी से दे देंगे। तो इसलिए औरतों में जो होती है गुर्बत वो भी ज़्यादा पाई जाती है मेल मेंबर की निस्बत मर्दों की निस्बत। अब उनकी वजह क्या है कि रीज़न क्यों औरतों में और बच्चों में गुर्बत ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहली बात याद रखें, जैसे मैंने पहले बताया कि औरतों के बारे में तसव्वुर किया जाता है कि औरतों ने घर नहीं चलाना और मर्दों के बारे में तसव्वुर है कि उन्होंने घर चलाना। इसलिए ऑन एवरेज मर्दों की वेज औरतों की निस्बत ज़्यादा होती है। सेम काम, सेम वर्किंग आवर्स, सेम आपकी जो सर्विसेज हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में, अनफॉर्मल सेक्टर में वेजेस का डिफरेंस आ जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में या जो फॉर्मल सेक्टर है, जो रजिस्टर्ड सेक्टर होता है, उनमें तो इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वहाँ पे मेल और फीमेल वेजेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। सेम काम अगर मेल करेगा उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी और सेम काम अगर औरत मिलेगी तो उसको वेजेस कम मिलेगी। तो वीमेन आर पेड लेस देन मेन, और ये एक रिसर्च बताती है कि सेम काम के सेम पैसे अगर मर्द को 100 रुपये मिलता है तो औरत को 77 रुपये मिलते हैं, यानी 77% ऑफ व्हाट मैन मेक उसको मिलता है। दूसरी चीज, वीमेन आर सेग्रीगेटेड इन टू लो पेइंग ऑक्यूपेशन। औरतों के लिए फ़र्ज कर लिया गया है कि वो लो पेड ऑक्यूपेशन में ही काम करेंगे, उनको लो पेड ऑक्यूपेशन में ही रखा जाता है। हाईली उनको जो पेड वेजेस हैं, हाईली पेड जो ऑक्यूपेशन हैं, हाईली पेड जो वो फ़र्ज कर लिए गए हैं कि वो सिर्फ मर्द काम कर सकते हैं, औरतें काम नहीं कर सकती। जैसे औरतों के लिए पिंक कॉलर जॉब्स जो ना वो उनको समझा जाता है, पिंक कॉलर जॉब जैसे टीचिंग है, नर्सिंग है, वेटर्सिंग है, चाइल्ड केयर है, क्लीनिंग है, सफाई के लिए, शॉप पे काम करने के लिए, उसके लिए सेल्स गर्ल के लिए, ये छोटे मोटे काम पेटी सर्विसेज के लिए औरतों को अप्रोप्रिएट समझा जाता है, टीचिंग के लिए, नर्सिंग के लिए ये समझा जाता है। लेकिन जो हाईली पेड है, जो इंडस्ट्रियल काम है, वो औरतों के लिए प्रॉपर नहीं समझे जाते, उसमें मर्द ही डोमिनेटेड। इसलिए भी औरतों चूँकि कम काम में वो इन्वॉल्व होती है, इसलिए उनकी वेज कम होती है, जिसकी वजह से उनमें गुर्बत का पोर्शन ज़्यादा होता है। विमेन स्पेंड मोर टाइम प्रोवाइडिंग अनपेड केयर गिविंग देन मैन। अब मर्द क्या करते हैं, मर्द काम से छुट्टी की, शाम 5 बजे घर आए, घर आके लेट गए, रेस्ट किया, टीवी देखा, मोबाइल देखा, फेसबुक चलाई, व्हाट्सएप चलाई, व्हाटएवर यूट्यूब चलाई, और वो जनाबे रेस्ट कर। लेकिन सेम काम जब औरत 5 बजे घर आती है, वो घर आके बच्चों को संभालती है, सफाई करती है, बूढ़े जो वालदे हैं उनका ध्यान रखती है, सास ससुर है उनका ख्याल करना है, खाना पकाना है, हंडिया बनानी है, और बहुत से काम उसको करने पड़ते हैं। इसलिए मोस्टली जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, वो पार्ट टाइम जॉब करने को प्रेफर करती हैं कि कोई ऐसी जॉब हो जो 12 बजे छुट्टी हो जाए तो मैं 12 बजे बाद घर आकर तो अपना काम कर लूँ, तो वो फुल टाइम काम करने के काबिल नहीं रहती। और अगर फुल टाइम काम करके घर भी संभालेंगी तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की जगह पर वो पूरी नहीं होगी, उनकी नींद पूरी नहीं होगी, उनको केयर गिविंग जो होती हैं सर्विसेज वो देनी पड़ती।
तो जब केयर गिविंग सर्विसेज देनी पड़ेंगी तो जारी बात है औरतों की फिर वेट कम रहेगी और उनकी सेहत उस तरीके की नहीं रहेगी तो वो पॉवर्टी का शिकार होगा। तो स्टडी बताती है कि 69% ऑफ अनपेड केयर गिवर्स ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इन द होम आर विमेन, कि 69% जो केयर गिवर है वो औरतें हैं। बिकॉज कंबाइनिंग अनपेड केयर गिविंग विद पेड वर्क कैन बी चैलेंजिंग, तो अब ये दोनों चीजें जब इकट्ठी करनी होती हैं तो फिर वो काम एक भी सही नहीं होता, ना जॉब अच्छी तरीके से हो सकती है ना फिर, तो इसलिए उनको फुल टाइम देना पड़ता है या केयर गिविंग पे फिर जॉब छोड़ दें, या पार्ट टाइम काम करें, या वो अपना केयर गिविंग छोड़ दें और वो अपना फुल टाइम काम करें, तो दोनों काम इकट्ठे चलने जरा मुश्किल होते हैं। वीमन आर मोर लाइकली टू बियर द कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन, अब अगर घर टूट जाए बाई चांस डिवोर्स हो जाती, तलाक हो जाती, तो क्या हो, मोस्टली केसेस में तलाक के केसेस में बच्चे माँ के पास जाते हैं, कस्टोडियन पेरेंट्स माँ के पास चले जाते हैं, बच्चे बाप उनको या रखता नहीं है या वो माँ खुद ले लेती है उनको, तो बच्चों की रेजिंग का, बच्चों की परवरिश का जो बर्डन है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो औरतों पर रह रहा है। अब बच्चों की परवरिश का जो बर्डन जब पेरेंट्स में अलहदगी हुई, डिवोर्स हुई, सेपरेशन हुई, तो औरतों पे चला गया बच्चों की परवरिश का बर्डन, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी फिर एक एक्स्ट्रा कास्ट जो है ना वो भी उसको बेयर करनी पड़ती है, अदरवाइज ये फादर की रिस्पांसिबिलिटी होती है उसको करना। व्हेन पेरेंट्स आर नॉट लिविंग टुगेदर वीमेन आर मोर लाइकली टू टेक द इकोनॉमिक कास्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन, 8 in 10 कस्टोडियल पेरेंट्स आर वुमेन, 10 में से 8 कस्टोडियल पेरेंट्स जो है ना वो औरतें, and custodial mothers are twice as likely to be poor as custodial father, और जो mother है, custodial mother है, जो अकेली है, single mother है, वो father की निस्बत double poor होती है ऐसे custodial father की निस्बत, जो custodial father है वो अपने जो male member की निस्बत double poor होती है। तीसरी चीज, pregnancy affects women's work and educational opportunities more than men's, प्रेगनेंसी जो होती है औरत की वो भी इफेक्ट करती है उससे भी, चूँकि उसके काम पे असर पड़ता है और हर जगह प्रेगनेंसी की छुट्टियां नहीं मिलती हैं, उसमें चाइल्ड बर्थ की जो उसके बाद चाइल्ड बर्थ के बाद की जो छुट्टियां हैं 5-6 माह अगर साल 2 साल बाद भी आ गई तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो बर्दाश्त नहीं करता, वो छुट्टी करवा देता है, उसको जॉब से निकालना पड़ता है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में इनको छुट्टी मिल सकती है, वहाँ पर हाल कुछ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन सारी औरतें जो काम करने वाली हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं है, बहुत सी प्राइवेट सेक्टर में, तो फिर प्रेगनेंसी उनको इफेक्ट करती है जिसकी वजह से उनको जॉब लूज करना पड़ती है। डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस कैन पुश वीमेन इनटू अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, डोमेस्टिक वायलेंस और जो सेक्सुअल वायलेंस है जिनसे हिरासगी है वो भी इनको साइकिल ऑफ पॉवर्टी में भेज सकता है। एक्सपीरियंसिंग डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंस कैन लीड टू जॉब लॉस, जब औरत कहीं काम कर रही है तो वहाँ उसको सेक्सुअली हरास किया जाएगा तो वो अल्टीमेटली काम को छोड़ना बड़ा सब समझेगी, तो जॉब लॉस हो जाएगी, जॉब लॉस नहीं हो करेगी तो फिर सेक्सुअल हरास होती रहेगी, तो वो भी एक उसकी मेंटली एक टॉर्चर का एक बायस बनेगी मुसलसल। पुअर हेल्थ एंड होमलेसनेस, सेहत खराब हो जाएगी, घर से निकाल लेंगे। कहते हैं इट इज़ एस्टिमेटेड दैट विक्टिम ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस कलेक्टिवली लॉस्ट ऑलमोस्ट 8 million डेज ऑफ पेड वर्क ईच ईयर बिकॉज ऑफ वायलेंस परपेट्रेटेड अगेंस्ट देम बाय करंट और फार्मर हस्बैंड, करंट या फार्मर हस्बैंड से जो उनको मार पड़ती है उससे 8 million डेज ऑफ पेड वर्क का नुकसान हो सकता है। तो ये एरियाज हैं जिसमें वीमेन पावर्टी जो ना वो एग्जिस्ट करती है, और अगर आपने औरतों में पावर्टी को ख़त्म करना है तो आप इन एरियाज में काम कर सकते हैं, तो आप इन एरियाज में काम कर सकते हैं और इन एरियाज में काम करके आप पावर्टी को रिडक्शन कर सकते हैं, औरतों पे उनको ज़्यादा एजुकेशन सहूलतें दे के, उनके लिए इदारे बना के, उनके लिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे के, उनके लिए कानून साजी करके उनको ग्रुपों से निकाला जा सकता है। और आखिरी जो ग्रुप है वो हमारा एथनिक माइनॉरिटीज का, याद रखिए चूंकि जो पॉलिसीज बनती हैं वो मेजॉरिटी को मद्देनजर रख के बनती हैं, मेजॉरिटी को सामने रख के बनती हैं, इसलिए माइनॉरिटी अक्सर इग्नोर हो जाती है, तो अक्सर जो माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं उनमें पॉवर्टी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, या ऐसे ग्रुप जो सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं, जो मेन स्ट्रीम से बाहर होते हैं, जैसे ख्वाजा सरा है किसी इलाके में, वो ना तो मेन स्ट्रीम में पढ़ सकते हैं, ना किसी स्कूल में जा सकते हैं, ना किसी कॉलेज में पढ़ सकते हैं, ना वो काम सीखते हैं, ना कहीं उनको सेक्सुअली हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है, वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है, तो वो फिर क्या करेंगे।
वो अल्टीमेटली मांगेंगे, वो फिर गुर्बत का शिकार रहेंगे, वो फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, तो इन्हीं इलीगल एक्टिविटीज की तरफ वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए पॉलिसीज, ये सोशली एक्सक्लूडेड लोग होते हैं जो अपने मेन स्ट्रीम से निकल जाते हैं। इसी के से माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में ईसाई हैं, हिंदू हैं, इंडिया में मुसलमान हैं, दलित हैं, बर्मा में रोहिंग्या है, तो ये गुर्बत का शिकार, तो इसके लिए फिर अलहदा से पॉलिसी बनाते हैं। इनके लिए कोटा मुख्तस करना पड़ता है, फंड्स एलोकेट करने पड़ते हैं, इनको पावर्टी से निकालने के लिए इनके लिए स्पेशल इदारे बनाने पड़ते हैं जहाँ सिर्फ इन लोगों को तरबियत दी जाए और इन लोगों को पावर्टी से निकालने के लिए कुछ सजेशन या कुछ हल तजवीज़ किए जाए। तो एथनिक माइनॉरिटीज़ में भी जो ना वो पावर्टी एग्जिस्ट करती है बहुत ज़्यादा। A final generalization about the incidence of poverty in the developing world is that it falls especially heavily on minority ethnic group. Heavily minority जो है ethnic group है उनमें ये involve करती हैं। 40% of world's nation state have more than 5 sizable ethnic population. 40% जो लोगों जो nation state है उसमें 5 बड़े ethnic groups हैं और उनको फिर इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। मार्जिनलाइज्ड होते हैं वो, अलहदा होते हैं, जो मेन स्ट्रीम के साथ वो घुल मिल नहीं सकते, उनके साथ पढ़ नहीं सकते, उनके साथ को काम सीख नहीं सकते वगैरह। एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल लाइफ, नेशनल लाइफ की मेन स्ट्रीम से वो बाहर होते हैं। दे हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। तो जिन इलाकों में वो रहते हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जॉब्स नहीं मिलती, या मखसूस सेक्टर अन डिक्लेयर्ड रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं कि उनको जॉब्स नहीं देनी। तो ऐसी सूरत हाल में फिर गवर्नमेंट का ये काम होता है कि उन लोगों को फैसिलिटेट करें, उनके लिए कोटा मुख्तस करें, उनके लिए एक स्पेशल जो ना वो सीट्स रख दे, उनको जॉब्स देने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनके लिए इदारे बना ले ताकि उनको भी पावर्टी से निकाला जा सके। तो ये बेसिकली 3 बड़े ग्रुप्स हैं जो पावर्टी के हैं, उसमें रूरल पावर्टी है, वीमेन एंड चिल्ड्रन हैं, और एथनिक माइनॉरिटीज हैं जो दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जो जिनको पूरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एजुकेशन की, ना हेल्थ की और ना एम्प्लॉयमेंट की। तो इन पे फोकस करके आप पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।